नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इस चैनल का माध्यम से आप लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि खास करके जो लोगों के पास ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसा एक ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसका थ्रू आप फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएंगे, वो भी गूगल के थ्रू, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस, गूगल का एक प्रोडक्ट यूज करके हम गूगल गूगल से ट्रैफिक लेंगे। सो ये जो ट्रैफिक होगा बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक होगा एंड आपको या फिर बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग आपको मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना चाहिए, अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको शायद इसका थ्रू आप कोई रिजल्ट नहीं मिल सकते। सो गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो मैं आज बात करने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे गूगल का एक प्रोडक्ट जो बहुत ही पहले आप लोग सुना हुआ है, क्वेश्चन हाफ बेटा, ठीक है। ये गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है और जिसके माध्यम से आप ऐसे ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तरीका जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर आप कैसे ट्रैफिक लाना है, ट्रैफिक को कैसे कन्वर्ट करके आपको वेबसाइट में लाना है, इसका प्रोसेस नहीं जानते तो यहाँ पे कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला। सो गाइस, ये जो है क्वेश्चन हाफ एक टूल से, ऐसा टूल से जो कि ना गूगल के जरिए बनाया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि गूगल क्या करते हैं, जो गूगल के पास कोई सवाल का जवाब नहीं दे, हम लोग जैसे कि हम हर दिन बहुत सारे लोग गूगल का सर्च इंजन में आके बहुत सारा क्वेश्चन का सवाल करते हैं, लेकिन उनका आंसर गूगल के पास होता नहीं। सो इसलिए उस टाइप का जो क्वेश्चन को या फिर लॉन्च कर देते हैं, मतलब या फिर डिस्प्ले कर देते हैं, एंड यहाँ से बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन को आंसर देके फिर से उस प्रश्न का आंसर गूगल के पास इंडेक्स कर देते हैं। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर सवाल का आंसर गूगल का पास होता नहीं। सो इसी का फायदा हमको लेना है। सो गाइस, अगर जिनके पास ये टूल्स नहीं है, सो कैसे लाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाके सर्च करना होगा क्वेश्चन, गूगल क्वेश्चन हाफ, एंड जैसे सर्च करेंगे मैं यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे गूगल में जाके क्वेश्चन हाफ लिख के जो फर्स्ट लिंक आएगा क्वेश्चन हाफ, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, एंड यहाँ पे साइन अप, अगर आप नया है तो यहाँ पे साइन अप बटन में क्लिक करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉन्च क्वेश्चन हाफ यहाँ पे क्लिक करना होगा। सो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे लॉन्च क्वेश्चन हाँ पे क्लिक कर दिया गाइस, यहाँ पे देख लीजिए इसका डैशबोर्ड किस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखने के साथ साथ आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे गाइस एक चीज़ दिखाई दे रहा हूँ, मैं मतलब कितना क्वेश्चन का आंसर किया हूँ एंड कितना आर्टिकल में सबमिट किया है, यहाँ पे देख लीजिए इतना सारा काम किया हूँ, इस 104 क्वेश्चन का आंसर किया हूँ, एंड आर्टिकल जो है मैं यहाँ पे 8 आर्टिकल मैं खुद डाला हूँ। सो मैं कैसे करना है, मैं ये सारे के सारे चीज़ आपको यहाँ पे एक एक चीज में सिखाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले माई हाफ पे जा रहा हूँ, एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू क्वेश्चन हाफ, यहाँ पे आपका जो टॉपिक है गाइस, कैटेगरी आपका जिस भी कैटेगरी का साइट है आप उसी टॉपिक के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है, मैं यहाँ पे वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बहुत सारा आर्टिकल है, मैं यहाँ पे फर्स्ट जो आर्टिकल है मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे उस रिलेटेड क्वेश्चन को फाइंड करता हूँ, देखता हूँ मेरा जो क्वेश्चन है मतलब किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए और किसको आंसर देना चाहिए। सो यहाँ पे मैं देखिए टॉप 5 मिस्टर अप्रूवल क्रेडिट कार्ड, सो मैं इसको अप्रूवल क्रेडिट कार्ड मैं इसको कॉपी करता हूँ गाइस, एंड यहाँ पे सीधा जाके क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है, मैं देखता हूँ इस रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है एंड उसका मैं यहाँ पे सबमिट करके देना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ, देख लीजिए गाइस यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी को ऐड करने के लिए फॉलो कर देता हूँ,
जैसे यहाँ पे फॉलो में क्लिक कर दिया गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी ऐड हो चुका है। सो आप भी यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए। सो गाइस देख सकते हैं लोग बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया है, लेकिन उनके आंसर उनके पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारा का सारा क्वेश्चन के आंसर आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैं सबसे पहले मान के चलो मेरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट अप्रूवल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लोन क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, ये रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा जो आर्टिकल है। सो ये जो आर्टिकल है मेरा और इसके साथ मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है। सो मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, आप सेव जैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए सेव हो जाएगा, आप बाद में भी इसका आंसर दे सकते हैं। और भी आप टॉपिक पर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये भी एक रिलेवेंट क्वेश्चन है। सो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे जैसे कि मैं टू क्वेश्चन को सेव किया हूँ, यहाँ पे दिखाई देंगे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सिंपली जो फर्स्ट क्वेश्चन है सो मैं इसको सबमिट ऑप्शन में जाता हूँ, एंड यहाँ पे जो मेरा कंटेंट का लिंक उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। सो मेरा जो कंटेंट का लिंक है, ये मेरा कंटेंट का लिंक, सो कंटेंट का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। जैसे मैं कॉपी लिंक एड्रेस, एंड जैसे मैं कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे आके मैं सबमिट कर देता हूँ गैस, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया एंड मैं सबमिट कर देता हूँ गैस। तो देख लीजिए क्या एरर आ रहा है कि यू मस्ट हैव फर्स्ट एक्टिव योर साइट इज इन क्वेश्चन आउट करके गो टू आज। सो सॉरी गैस, यहाँ पे मेरा साइट जो है उसको पहले एक्टिव करके देना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्टिव किया नहीं। सो पहले इसको मैं एक्टिव कर लिया हूँ, एंड फिर दोबारा यहाँ पे आता हूँ, एंड मैं यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूँ एंड सबमिट में कर देता हूँ। इस बार होना चाहिए गाइस, देख लीजिए इस बार हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा था उस टाइम मेरा जो साइट साइट यहाँ पे एक्टिव नहीं था। सो यहाँ पे एक्टिव सक्सेसफुल हो गया एंड अब मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। एंड नेक्स्ट आते हो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड सबमिट कर देता हूँ। एंड जैसे मैं सबमिट कर दिया गाइस, यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। एंड इससे क्या होगा गाइस, जैसे ये सारा क्वेश्चन लोग सर्च करेंगे एंड साथ ही साथ जो मेरा आंसर है वो गूगल सजेस्ट करेंगे, उसके थ्रू यहाँ पे मेरा साइट के अंदर ट्रैफिक आएंगे। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेहनत करके आप भी यहाँ पे आप भी यहाँ पे गूगल के थ्रू यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक आपका वेबसाइट के अंदर ला सकते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे मैं उस टाइम 106 क्वेश्चन आंसर किया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 9 हो गया एंड यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी अभी मैं कर दिया, सो यहाँ पे 19 तरीके देख लीजिए, अभी अभी मैं दो क्वेश्चन को यहाँ पे सबमिट कर दिया, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ कर दिया तो गाइस देख सकते क्वेश्चन आंसर दे भी है आ गया है। सो इससे क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे आपका जो साइट का एक अच्छा रिजल्ट गूगल के पास चला गया। एंड जैसे ये सारा क्वेश्चन को लोग टाइप करेंगे एंड आपका जो साइट का मतलब रिजल्ट है वो आपको मतलब गूगल सजेस्ट करेंगे, और गूगल के थ्रू यहाँ पे आपके साइट में ट्रैफिक आएंगे। ये जो ट्रैफिक सारे का सारा मतलब ये सारे का सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और इससे थ्रू आपका कोई भी साइट का लोकेशन नहीं होगा एडसेंस का पोर, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे थोड़ा काम करके थोड़ा सा मेहनत करके अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। सो गाइस वीडियो के अंदर इतना ही इन्फॉर्मेशन देने वाला था, अगर वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक करना और कमेंट करने के लिए ना भूलिए, ठीक है। और आपका कमेंट एंड लाइक से मुझे और भी मोटिवेशन मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम और भी बहुत सारा अच्छा खासा फ्री में कैसे एडसेंस प्रोटीन होता है, इसके बारे में एक टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।